व्हाट्स अप लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट रणिंदम घोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मोटर रीडिफाइंड। और फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है BS6 मॉडल होंडा की डीओ रिप्सोल एडिशन, जिसका आज हम लोग एक डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा इसका वॉक अराउंड दूंगा, जिसमें मैं आपको इसके सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक छोटी सी राइड रिव्यू करेंगे इसका, जानेंगे कि जब हम लोग इसको राइड करते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये स्कूटर क्यों खरीदनी चाहिए। और रिव्यू में जाने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू चापड़ा होंडा फॉर गिविंग अस दिस स्कूटर फॉर रिव्यू पर्पस। और जहाँ तक इसकी कॉस्ट की बात है दोस्तों, तो इसका जो अगर वेस्ट बंगाल में इसका कॉस्ट देखा जाए तो वो है 72,500 एक शोरूम, और अगर यही हम लोग ऑन रोड लाना चाहेंगे तो अराउंड 85,000 की पड़ जाएगी। दोस्तों, ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रॉक्स है, ये स्टेट टू स्टेट या फिर जोन टू जोन भी वेरी करता है। तो आपको एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आपकी नियरेस्ट डीलरशिप में जानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसके एक छोटा सा वॉकअराउंड में आपको मैं पूरा चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये रिप्सोल एडिशन है तो इसमें चेंजेस क्या क्या है। क्योंकि ये रिप्सोल एडिशन है तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, इसकी जो अलॉय व्हील है उसको ऐड की गई है ऑरेंज कलर में, उसके साथ साथ रिप्सोल की पूरी स्टिकरिंग की गई है, और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर रेड, ऑरेंज, वाइट और ब्लैक के साथ साथ पीछे भी रिप्सोल की जो स्टिकरिंग है वो की गई है, और नीचे यहाँ पर डीओ का भी आपको स्टिकर दिख रहा है। तो ये जो पूरे चेंजेस है कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ, ये जो पूरे अलॉय व्हील चेंजेस की गई है यहाँ पर, इसके लिए भी कंपनी आपको 2,500 रुपया ज़्यादा चार्ज कर रही है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रंट सेक्शन में, पूरा आपको मैं फ्रंट सेक्शन बताऊंगा कि फ्रंट सेक्शन में क्या क्या है। और फ्रेंड्स, फ्रंट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक अलॉय व्हील मिल रही है, और अगर टायर की बात करें तो आप लोगों को ट्यूबलेस टायर दिया जा रहा है MRF की तरफ से, लाइलो ग्रिप जैपर के। और टायर की जो स्पेसिफिकेशंस है वो है 90x90 12 inches, मतलब आपकी जो रिम है वो 12 इंचेस की है, और टायर 90x90 के सेक्शन का है। और उसके साथ साथ सामने भी हम लोगों को यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर भी दिख रहा है। उसके साथ साथ ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन आपको दी गई है टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन। और उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो एक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर आपको जो फ्रंट ब्रेक दिया गया है, आपको 130mm का फ्रंट ब्रेक दिया गया है। और इसके साथ ही अगर हम फ्रंट में एकदम इसके देखें तो आपको एक ब्यूटीफुल सा, आपको इसका एक फ्रंट व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर लग रही है इसकी जो हेडलाइट है। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टिकरिंग की गई है DRL के साथ साथ पूरा मैचअप किया गया है व्हाइट कलर में, ऑरेंज कलर में, रेड कलर में, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। और इसके लिए यहाँ पर ठीक होंडा की एक यहाँ पर स्टिकरिंग की गई है, उसके नीचे एक DRL आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका एक स्विच ऑन करूँगा तो आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, चमकता हुआ DRL, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो आपको उसका फ्लो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर DRL मिलता है। और ठीक इसके नीचे यहाँ पर हेडलाइट है। अगर हेडलाइट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये जो लो बीम है ये ऑलवेज ऑन रहती है, और इसी के साथ साथ दोस्तों ये हाई बीम आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब टोटली अगर आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू में आपको जो दिखेगा वो है एक प्यारा सा हेडलाइट जिसमें आपका लो बीम और हाई बीम है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये स्टिकरिंग को मैच करते हुए यहाँ पर एक ऑलवेज जो आपका लाइट में जलता है डे टाइम रनिंग लाइट DRL भी यहाँ पर दिया गया। उसके ऊपर यहाँ पर होंडा की स्टिकरिंग की गई है, और दोनों साइड पे यहाँ पर आपको रेप्सोल का भी स्टिकरिंग किया गया, और साथ में ही यहाँ पर आपको दोनों साइड पे आपको जो दिया जा रहा है वो है इंडिकेटर। लेकिन ये इंडिकेटर LED नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जो हेडलाइट है दोनों आपका जो लो बीम है जो हाई बीम है दोनों LED है, लेकिन यहाँ पर जो आपको इंडिकेटर मिल रहा है वो इंडिकेटर आपकी है बल्ब इंडिकेटर दोनों साइड पे। और चलिए इसी के साथ साथ अब इसका जो फ्रंट कंसोल है वो देख लेते हैं। एक बार मैं ऑफ करके ऑन करूंगा फ्रंट कंसोल। तो फ्रेंड्स, फ्रंट कंसोल जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है कितनी किलोमीटर, मतलब ये स्पीडोमीटर आपको दिख रहा है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको टाइम दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो है आपको फ्यूल मीटर दिख रहा है। और उसी के साथ साथ अगर
यहाँ पर अगर आपको नीला लाइट दिख रहा है तो वो इसलिए क्योंकि ये जो आपका लो बीम जो हाई बीम है वो ऑन की गई है इसलिए। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसके ये मोड्स भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये ट्रिप आप चेंज कर सकते हैं, ट्रिप के साथ साथ यहाँ पर कितना किलोमीटर पर लीटर पे ये जा रहा है, मतलब आपको एक एवरेज बताएगा ये, जैसे ये रहा एवरेज आपको बताएगा, और आपको टोटल कितना किलोमीटर चला हुआ है ये भी ये बताने वाला है, मतलब ओवरऑल आपको एक फ्यूल मीटर दिखेगा, आपको टाइम दिखेगा, आपको स्पीडोमीटर दिखेगा, और आपको कितनी किलोमीटर चली हुई है, मतलब कितनी किलोमीटर चली हुई है और एवरेज कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर हैंडल बार देखें तो एक खूबसूरत सी एक हैंडल बार दी गई है, जहाँ पर आपका ये हाई बीम का लाइट है, और ये आप पास वाली स्विच भी यहीं पर दी गई है, पास स्विच देख पा रहे हैं यहाँ पर पास स्विच, और ठीक उसके नीचे आपका इंडिकेटर है, और ठीक उसके नीचे हॉर्न दिया गया, एक बार हॉर्न बजा के देख लेंगे कि इसकी जो थ्रो है वो कैसी है। ठीक है, बढ़िया है, काम कर जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए बटन दी गई है, और उसके बाद अगर हम लोग सीट की तरफ आएंगे तो एक बहुत ही स्पेशियस सीट दी गई है यहाँ पर, देखिए ये बिल्कुल शोरूम से निकाली हुई गाड़ी है, तो अभी तक इसकी जो पॉलिथीन है वो भी हटाई नहीं गई है, और सीट मैं कहूँगा इज़ नॉट सॉफ्ट, इज़ नॉट हार्ड, इज़ ऑन काइंड ऑफ मीडियम साइड, और यहाँ पर भी रेप्सॉल की बैजिंग की गई है ठीक सीट के पास, और सीट के साथ साथ एक सुंदर सी रेड कलर में आप बोल सकते हैं कि एक ग्रैब रेल दी गई है, ग्रैब रेल बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में, बहुत चौड़ी है, मतलब जो पिलियन होगा उसको पीछे सपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया इसकी रेड कलर में ग्रैब रेल दी गई है, और इसकी एक जो सीट है उसको भी हम लोग यहाँ से खोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैं एकदम पास में लाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूल एंड सीट, तो आपको जो अपनी चाबी है वो पहले इसमें घुमानी होगी, और यहाँ पर आपको जैसे ही आप ये फ्यूल और सीट पर अपना चाबी घुमाते हैं उसके बाद अगर आप फ्यूल का बटन जो है यहाँ पर वो बटन अगर प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ तो ये देखिए बहुत ही इजीली आपकी जो फ्यूल टैंक है वो खुल जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी जो क्लेम करती है वो है 48 KMPL की माइलेज, और उसके साथ साथ आपको जो टैंक मिल रहा है वो है अराउंड 5.3 लीटर्स का टैंक, और जैसे ही आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा प्रेस करने पे ये आपकी बंद भी हो जाती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ठीक उसके नीचे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ठीक उसके नीचे यहाँ पर सीट की भी बटन दी गई है, ठीक फ्यूल के नीचे सीट की भी बटन दी गई है, और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं ये रही आपकी सीट भी खुल जाएगी, और सीट के नीचे दोस्तों ये जो स्पेस है बहुत बढ़िया है, मतलब एक हेलमेट रखने की तो जगह है ही, साथ में आप अगर थोड़ा और कुछ भी रखना चाहें जैसे कि अगर आपके जो कागज़ वगैरह हैं वो भी अगर आप रखना चाहें, गाड़ी का जो RC बुक है वगैरह तो वो भी आप यहाँ पर आप आराम से फिट कर सकते हैं, और अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये रहा ये बंद हो गया। और दोस्तों यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉकेट दिया गया है, अगर आप यहाँ पर गाड़ी रन करते टाइम अगर आप अपना बॉटल रखना चाहते हैं वगैरह तो वो भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से तो 1 लीटर की बोतल इसमें आराम से आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हुक भी दी गई है, अगर आप कुछ यहाँ पर हैंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर टायर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि फ्रंट और रियर में पिलियन के साथ या फिर विदाउट पिलियन आपको कितना अप्रॉक्स में कितनी प्रेशर होनी चाहिए टायर की। और फ्रेंड्स जब इस गाड़ी की जो सबसे खास पार्ट है इंजन उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स इंजन जो मिल रहा है वो है 109.51 cc की फैन कूल सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये जो सस्पेंशन सिस्टम दी गई पीछे वो है आपकी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, और ये कितना काम कर रही है बेहतर तरीके से वो मैं आपको राइड रिव्यू के टाइम पे बता पाऊंगा। और अब चलिए देखते हैं इसके जो रियर सेक्शन है उसमें क्या क्या है। फ्रेंड्स रियर सेक्शन में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा रिफ्लेक्टर दिया गया है, ठीक उसके ऊपर आपकी यहाँ पर ये टेल लाइट है, और उसके दोनों साइड पे आपकी जो इंडिकेटर है बल्ब इंडिकेटर, दोनों साइड पे बल्ब इंडिकेटर दी गई है, और यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर देखिए होंडा की जो स्टिकरिंग है वो भी की गई है। और चलिए उसी के साथ साथ आप पीछे जो टायर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स पीछे आपको जो टायर दिख रही है ये भी MRF के लालो ग्रिप जैपर के ही टायर है, लेकिन इसमें जो सेक्शन है वो चेंजेस है, पीछे की जो टायर है 90/100 के सेक्शन की, ये भी आपको ट्यूबलेस टायर ही दी जा रही है, लेकिन इसमें जो रिम लगी हुई है वो आपको आगे में 12 इंच की मिल रही थी और पीछे में आपको 10 इंच की मिलेगी। और चलिए फ्रेंड्स अब इसका ये जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुन लेते हैं, एक खूबसूरत सा एग्जॉस्ट दिया गया है विथ मैट फिनिश, और इसमें एक गार्ड भी लगाया गया है, और अब मैं आपको इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुनाता हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सी इसके एग्जॉस्ट नोट है, सुन पा रहे हैं बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, एक स्मूथ सी आवाज़ आ रही है इसकी,
और पीछे की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है, जो कि सामने की तरह 130 mm की ही है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसका जो पूरा ओवरऑल डायमेंशंस है उसके बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, तो अब मैं इसके डायमेंशंस के बारे में आपको बता दूं, इसका जो ओवरऑल लेंथ आपको देखने को मिलेगा वो है 1808 mm का, और विड्थ जो है मतलब सामने से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई बनती है वो है 720 mm की। अगर आप हाइट की बात करेंगे तो हाइट है 1150 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो वो है 160 mm, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी छोटी है, थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। व्हील बेस की अगर बात करें, मतलब अगर इस व्हील के अगर मिड पोर्शन से इस रियर व्हील के अगर मिड पोर्शन तक आप मापेंगे तो वो आपको मिलेगा 1260 mm का। कर वेट है गाड़ी की वो है अराउंड 105 किलोग्राम की, और सीट हाइट है 650 की, मतलब अगर आप 5'4" या फिर 5'5" हैं तो भी आप आराम से इस स्कूटर को चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में इसका जो मिरर है वो भी एक देख लेते हैं। एक सुंदर सी स्टाइलिंग की गई है मिरर पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है स्टाइलिंग इसकी, और लेफ्ट और राइट एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सी इसकी मिरर स्टाइलिंग की गई है, और ये अपने पर्पस कितना सॉल्व कर रही है ये तो मैं आपको राइड रिव्यू के टाइम ही बता पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं होंडा डीओ रिप्सोल एडिशन BS6 की राइड रिव्यू, और आप लोगों को बताते हैं कि चलाते वक्त इसका एक्सपीरियंस कैसा है। और दोस्तों, पिकअप की जहां तक बात है, एक्सीलरेशन मुझे काफ़ी लीनियर लग रहा है, और दोस्तों गाड़ी की जो पिकअप है 110 cc को दिमाग में रखते हुए अगर इसकी पिकअप की मैं बात करूं तो पिकअप तो मुझे सही लग रही है। 110 cc की इंजन है और पिकअप बढ़िया। और देखिए, मतलब अगर आप इसको क्विक एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं, मतलब अगर आपको कुछ मान के चलो सिटी राइड कर रहे हैं और आपको क्विक एक्सेलरेट करने की ज़रूरत पड़ गई किसी बाइक को ओवरटेक या फिर किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सीट में भी मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है, मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ सीट पर, काफ़ी स्पेशियस है और हार्डनेस भी मुझे फील नहीं हो रही है, काफ़ी पोजिशन भी मेरी अपराइट है, और मैन्यूवर करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि 105 किलोग्राम की स्कूटर है। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर मैं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और पहले मैं इसको अराउंड 45-50 की स्पीड पे लूंगा, फिर मैं इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो पहले चेक करूंगा। काफी बढ़िया फीडबैक, सही है, फीडबैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम आपको लगेगा लेकिन ठीक है, अगर आप सही टाइम पर अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन ब्रेकिंग सिस्टम है तो मेरे ख्याल से दोनों ही ब्रेक एक साथ अप्लाई होती है, ब्रेक सही काम कर रही है। और अब मैं सेम स्पीड पे अराउंड 50 की स्पीड पे मैं रियर ब्रेक ट्राई करूंगा। फ्रेंड्स, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं लेफ्ट साइड वाली ब्रेक को अप्लाई कर रहा हूं, मतलब हिसाब से अगर मैं रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहा हूं तो बेटर एक्सपीरियंस हो रहा है। फिर से एक बार जो राइट, फिर से एक बार जो फ्रंट देखिए उसको अप्लाई करूंगा। मैं ये कहूंगा कि फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने से बेटर है आप रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, क्योंकि रियर ब्रेक का जो परफॉर्मेंस है वो फ्रंट ब्रेक से बेटर है। और अब एक छोटा सा इसका टर्निंग रेडियस टेस्ट कर लेते हैं, एक छोटी सी रास्ते पे मैं इसका टर्निंग रेडियस टेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, देखिए छोटा सा रास्ता है, मुझे हाफ रास्ता भी इसका यूज नहीं करना पड़ा इसको टर्न करने के लिए, मतलब टर्निंग रेडियस भी गाड़ी की बहुत सही है। और जहां तक सस्पेंशन की बात है दोस्तों, पॉटहोल्स पे जब गिर रहा है तो थोड़ा बहुत झटका महसूस हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है सस्पेंशन या फिर स्टिफ है, सस्पेंशन बिल्कुल परफेक्ट है, मीडियम साइड पे है, आपको झटका बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा लेकिन फिर भी होगा। और सामने और पीछे का जो सस्पेंशन है बिल्कुल सेम है मेरे ख्याल से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हैं तो आपको इसका ब्रेक कैसा लग रहा है, और इसके सस्पेंशन के बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैनल बहुत न्यू है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कोई अगर आपको फीडबैक है, अगर आप चैनल में कुछ और देखना चाहते हैं या फिर आप चैनल में कुछ और सुधार करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, ऑलवेज राइड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर प्रॉपर गियर्स व्हेन राइडिंग, मैन्यूवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक मैं 50-60 तक में चला रहा हूँ मुझे कोई वाइब्रेशन भी महसूस नहीं हुई है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रियर की बहुत बेहतर है, मतलब ओवरऑल अ गुड पैकेज, अ गुड वर्क डन बाई होंडा।
होंडा की डी आर एप्सिलॉन एडिशन BS6 इज ए कंप्लीट पैकेज। 110 cc के अगर 110 cc को दिमाग में रखते हुए अगर इस बाइक को हम लोग टेस्ट करना चाहेंगे तो बिल्कुल बढ़िया बाइक। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं अपना राइड रिव्यू ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अपनी जितनी भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गई होगी। और चलिए अब देखते हैं कि हमें यह स्कूटर क्यों खरीदनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको इस स्कूटर की वॉक अराउंड और राइड रिव्यू पसंद आई होगी, और आपको इससे जो अगर आप ये स्कूटर खरीद रहे हैं तो आपको खरीदने में भी आसानी होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे कि आपको इस स्कूटर क्यों खरीदनी चाहिए, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस स्कूटर के सेगमेंट में या फिर इस स्कूटर की जो प्राइस पॉइंट है उस प्राइस पॉइंट पे और दूसरी क्या क्या आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है आपकी ट्यूबलेस जुपिटर या फिर सुजुकी एक्सेस या फिर होंडा की अपनी ही स्कूटर है, वो है होंडा एक्टिवा। जैसे ही आप ये स्कूटर को देखते हैं तो इस स्कूटर की अपील ये है कि ये रेसिंग इंस्पायर्ड है। मतलब अगर कोई ये पूछना चाहेगा कि इस स्कूटर को क्यों खरीदे तो इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जो रेसिंग पसंद करता है उसे ये स्कूटर पसंद आएगी। और माइलेज की बात करें तो अराउंड 48 किलोमीटर्स तो आपको कंपनी क्लेम करती है, शायद उससे ज़्यादा भी आपको मिल जाए। तो अगर आपको एक स्पोर्टी लुक वाला स्कूटर चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, अगर आपको माइलेज अच्छी चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, एक आपको एक ओवरऑल लुक अच्छी चाहिए तो भी आप ये ले सकते हैं। मतलब और 110 सीसी की बाइक है, उसके साथ साथ होंडा का भरोसा भी आपको मिल रहा है, तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज। मतलब और उसके साथ साथ एक स्पोर्टी लुक, एक स्पोर्टी अपील भी है। रेप्सोल का पूरा कलर एडिशन चेंज किया गया है इसका। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको जो पूरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर पसंद आई आपको वीडियो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके एक बेल आइकॉन आता है उसके साथ वो भी प्रेस कर दीजिएगा। और नीचे आपके स्क्रीन में मेरा इंस्टाग्राम ID भी आ रहा होगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ एंड जय हिंद।